उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नगर के मुख्य चौक में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कैंडल जलाकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई गई। अंकिता के हत्यारों को फांसी देकर उनको न्याय दिलाने की मांग पर महिलाओं युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। जिसको सारा देश देवभूमि के नाम से जानता है, इस देवभूमि पर ऐसा जघन्य हत्याकांड, ऐसा जघन्य कृत्य हुआ है जिसके लिए हम सभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और सारा देश, सारा उत्तराखंड अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। और इसकी भरपाई तभी हो पाएगी जब उन हत्यारों को या जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। यही हम सबकी मांग है। देवभूमि बड़ी समस्या हुई है। ये उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ में जो दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के पश्चात जो उसकी निर्मम हत्या की गई, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। इस देवभूमि को कलंकित करने का जो कार्य जिस दुष्टों ने किया है, इसकी युवा मुख्यमंत्री जी ने भी जांच बढ़ा दी है और उत्तर करवा लिया गया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे हत्यारों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके, उसके साथ न्याय हो सके, उसके परिवार को इतनी तो शांति मिले कि उसकी बेटी के हत्यारों को सजा मिलेगी।